इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से सामने आ रही है, जहां पर उप संभाग आयुक्त कार्यालय में आदिवासी विकास विभाग में लोकायुक्त टीम का छापा पड़ा है, जहां पर सहायक ग्रेड 3 पदस्थ मनीष प्रत्येक कर्मचारी के पद पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जी हां, उप संभाग आयुक्त कार्यालय में लोकायुक्त का छापा इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोकायुक्त टीम ने कर्मचारी मनीष प्रत्येक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कर्मचारी मनीष परते सहायक ग्रेड 3 में पदस्थ हैं, साथ ही शिकायतकर्ता आरती झारिया से उनके द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिक्षक वर्ग 2 के आदेश पत्र की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद यह छापा पड़ा है। श्री पवन झारिया जो टिकरिया के रहने वाले हैं, जिला मंडला के तहसील नारायणपुर के, इनकी पत्नी आरती झारिया का व्यापम के माध्यम से शिक्षक वर्ग 2 के लिए चयन हुआ था, जिसके आदेश संभागीय उपायुक्त आदिवासी कार्यालय से जारी होना थे। जब ये आदेश प्राप्त करने के लिए आए तो उन्होंने इनसे 10,000 रुपये की मांग की। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू साहब को दिनांक 18 फरवरी को की थी, जिसके सत्यापन किया गया और सत्यापन के बाद आज दिनांक 22 फरवरी को संभागीय उपायुक्त आदिवासी कार्यालय के लिपिक श्री मनीष परते को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये सूचना किसके द्वारा दी गई थी और किस तरीके की कार्रवाई होने की उम्मीद है? आवेदक पवन झारिया प्रारंभ में ही आपको बताया है। इसके पहले भी कोई शिकायत थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी है। सर, आपको लगता है कि ये जो पकड़े गए, आगे भी इनने कई जगह रिश्वत ली होगी? अजय पहली बार पकड़े ये गया? अभी मुझे जानकारी नहीं, विवेचना का विषय है, जो विवेचना के दौरान आ सकता है। अभी लगभग कितनी देर कार्रवाई चलेगी, जिससे और पुष्टिकरण समझ में आएगा? अभी कार्रवाई चल रही है, प्रारंभिक कार्रवाई अभी चल रही है, उसके बाद ही क्या क्या तथ्य सामने आए। जो अभी तथ्य आए कि जो आदेश जारी होना था, जो आपको पूर्व में मैंने बताया है, जो आदेश जारी होने थे उसके एवज में इन्होंने 10,000 की मांग की थी, 5,000 रुपये देना तय हुआ था, जो आज दिनांक को 5,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़े गए।